शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 69वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा अभी अभी संपन्न हुआ है। स्टैटिक्स के पार्ट को लेकर के मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और आज इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 7 के अथवा और क्वेश्चन नंबर 8 को देख चुके हैं। यदि आपने अब तक नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से पिछले वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलें। आइए चलते हैं प्रश्न पर कि क्या आंकड़े दिए गए हैं और इन आंकड़ों के बाद प्रश्न क्या पूछा गया है। सबसे पहले दिए गए आंकड़े को समझते हैं, फिर बारी बारी से प्रश्न को भी समझेंगे। आज का अथवा यहाँ पर है, नीचे दिया गया ग्राफ एक प्रदेश यानी कि राज्य, प्रदेश का मतलब राज्य, द्वारा विभिन्न वर्षों में एकत्रित अतिरिक्त करों को दर्शाता है। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा इससे संबंधित नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो ग्राफ है नीचे दिया गया, ये क्या है, राज्य का, एक प्रदेश का या एक राज्य का है जिसमें अतिरिक्त करों के बारे में दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, तो वर्ष 2014-15 में अतिरिक्त कर जो है वो 685 करोड़ रुपया, ठीक है। ये जो अतिरिक्त कर है किसमें दिया हुआ है, करोड़ रुपए में, तो 685 करोड़ था 2014-15 के दौरान। लेकिन यदि 15-16 पर ध्यान दें तो ये हो गया था घटकर कितना, 382 करोड़ रुपया। फिर 16-17 की यदि बात करें तो 271, उसी प्रकार से यदि 2017-18 की बात करें तो ये हो गया था 533, 18-19 की बात करें तो 716 करोड़ रुपये, और फिर 19-20 की बात करें तो 273 करोड़ रुपये, फिर 20-21 की बात करें तो 431 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर जो है हो गया। तो इस प्रकार से हमारे ग्राफ के माध्यम से आंकड़े दिए हुए हैं। अब आइए चलते हैं प्रश्न, जो भी डिमांड करेगा उस हिसाब से हम लोग आंकड़े को भी देखेंगे और उत्तर व्याख्या को भी करते चलेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि 2018-19 की तुलना में 2020-21 में अतिरिक्त कर में कितने प्रतिशत कमी हुई है, ठीक है। 18-19 से 20-21 की तुलना करेंगे, 18-19 यहाँ है आपका और 20-21 यहाँ है। आपसे पूछा कि 18-19 की तुलना में 20-21 में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो क्या करेंगे कि 700 नहीं, ऐसे हम लोग कमी लिखते हैं कि जहां से शुरू होता है, ठीक ना। जैसे कैसे लिखेंगे, 431 माइनस 716 बटे, जहां से कमी होना शुरू होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि बटे में लिखते हैं। जैसे 716 से कमी होना शुरू हुआ तो बटे में 716, प्रतिशत निकालने के लिए कहा तो 100 से गुना। अब इसको हल करेंगे और जो भी आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। आइए, मैंने उत्तर व्याख्या में इसे करके रखा है, वहाँ समझते हैं। यहाँ पर वर्ष 2018-19 में एकत्रित अतिरिक्त कर 716 करोड़ रुपये है जैसा ग्राफ में दिया हुआ है। 2020-21 में एकत्रित अतिरिक्त कर 431 करोड़ रुपये दिए हुए हैं। एकत्रित अतिरिक्त कर में कमी जो होता है 716 माइनस 431, जैसा मैंने वहां पर करके दिखाया, मैंने पहले इसको कर लिया, तो कितना हो गया डिफरेंस दोनों का, 285 करोड़ रुपये। अब प्रतिशत कमी की बात होती है तो कमी बटे जहां से कमी होना शुरू हुआ वो अंक और गुना 100। इसको बोलते कैसे हैं कि 285 की कमी हुई 716 में से, इसलिए 100 में कितना, जब आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 39.80%, ठीक है। बटे में देने के लिए अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको लिखें, तो मैं ग्राफ पर ले आता हूं आपको समझाता हूं। जहां से वृद्धि होना अथवा जहां से कमी होना प्रारंभ होता है ना, इस टर्म को आप बटे में लिखा करिए हमेशा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तब इसको हल करके कितना आ गया यहां पर, 39.80%, ठीक है। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि वर्ष 2016-17 की तुलना में 17-18 में अतिरिक्त कर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक पहले प्रश्न के तरह ही है, लेकिन यहाँ पर कमी पूछा था प्रतिशत में, यहाँ पर वृद्धि पूछा है प्रतिशत में। तो 16-17 की तुलना में 17-18 में पूछा, 16-17 की तुलना में 17-18 में पूछा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों के डिफरेंसेस को ऊपर में लिख देंगे, 533 और माइनस कितना, 200
71 और बटे में जहां से वृद्धि शुरू हुआ, देखो ये 271 से वृद्धि होना शुरू हुआ, तो इनिशियल पॉइंट को 271 को बटे में प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुना में 100, इसको फिर हल करेंगे तो जो भी होगा वो आपका प्रतिशत में उत्तर आ जाएगा। आइए इसके भी व्याख्या को देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तर व्याख्या है 2016-17 में एकत्रित अतिरिक्त कर जो है 271 करोड़ रुपये, जबकि 17-18 में एकत्रित अतिरिक्त कर बढ़कर कितना हो गया है 533 करोड़ रुपये। तो वृद्धि कितनी की हुई यहाँ पर, कमी नहीं बल्कि क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, ये छूट गया है। तो क्या हुआ, एकत्रित अतिरिक्त कर में ये कमी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वृद्धि। 533 माइनस 271 बराबर 262 करोड़ रुपये की क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। ठीक है, वृद्धि कितने की हुई, 262 करोड़ रुपये की। एकत्रित अतिरिक्त कर में प्रतिशत कमी नहीं, फिर से ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, वृद्धि। अतिरिक्त कर में प्रतिशत वृद्धि, तो 262 की वृद्धि हुई, ये कमी को आप ध्यान में रखिएगा, वृद्धि लिखा हुआ यहाँ पर, 262 की वृद्धि हुई 271 में से, इसलिए 100 में कितना, जब आप इसको कटाएंगे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96.68%। ठीक है, कैसे बोलेंगे, 262 की वृद्धि हुई 271 में से, जहां से वृद्धि होना शुरू हुआ ना, इस पॉइंट को आप बटे में देंगे, अथवा पिछले प्रश्न की तरह जहां से कमी होना शुरू हुआ ना उस पॉइंट को हम लोग बटे में दिए थे। ठीक है, तो 262 की वृद्धि हुई 271 में से, इसलिए 100 में कितना, ये कटाकर आया 96.68%। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में अतिरिक्त कर में अतिरिक्त प्रतिशत वृद्धि, अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है, अधिकतम प्रतिशत है, अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। हम लोग प्रत्येक वर्ष के लिए क्या करेंगे, पिछले वर्ष की तुलना में निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कमी हुई है, फिर यहाँ पर भी कमी हुई है, ये भी वृद्धि हुई है, यहाँ भी वृद्धि हुई है, ये कमी हुई है, फिर वृद्धि हुई है, तो प्रतिशत में हम देख लेंगे कि कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई है प्रत्येक वर्ष में। तो हम इसको यहाँ पर निकाल करके रखे हैं। यदि 2014-15 से 2015-16 में देखें तो प्रतिशत वृद्धि हमने बार बार लिखा है, लेकिन वृद्धि माइनस में है तो उसको माइनस में समझेंगे कि कमी हो गया। ठीक है, तो 382 से क्या हुआ कि 685 से कम होकर के हो गया था 382। तो अगला डाटा में पिछला डाटा को हमेशा घटाते हैं, यदि कमी होना होगा तो कमी हो जाएगा, वृद्धि होना हो जाएगा तो वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक बार फिर से आपको ग्राफ पर लिए चलता हूँ, यहाँ समझ में आ जाएगा। हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि अगले डाटा में पिछले डाटा को घटाते हैं, तो यहाँ पर 382 में हमने 685 घटाया तो आंकड़ा का रिजल्ट जो है वो माइनस में आ जाएगा, इसका मतलब हुआ कि कमी हो रही है। फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे, 271 में 382 को घटाएंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे, 533 में 271 को घटाएंगे, फिर 716 में से 533 घटाएंगे, यानी अगले डाटा में पिछले डाटा को घटाते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न पर चलते हैं, उत्तर व्याख्या पर। फिर इसी प्रकार से 15-16 से 16-17 में प्रतिशत वृद्धि जो है क्या हुआ कि 382 से घटकर हो गया 271, तो प्रतिशत में कमी कितनी हुई, -29.05। इसी प्रकार से 16-17 से 17-18 में जो वृद्धि हुई है वो 271 से बढ़कर 533 हो गया, तो प्रतिशत जो वृद्धि है 96.68, जैसा पिछले प्रश्न में भी हम लोग बनाए थे इस डाटा को, इस आंकड़ा को वहाँ लिए थे। उसी प्रकार से 17-18 से 18-19 में 34.33, फिर 18-19 से 19-20 में 61.87% की कमी हो गई है। उसके बाद 19-20 से 20-21 में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है, तो उसी प्रकार से 57.87% की हुई है। आपसे प्रश्न क्या पूछा था कि पिछले वर्ष की तुलना में अतिरिक्त कर में अधिकतम वृद्धि कब हुई है, तो अब सभी मेरे पास आंकड़े हैं, तो अधिकतम वृद्धि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 96.68% की वृद्धि हुई है और पिछले वर्ष में कमी हुई थी, तो पिछले वर्ष से तुलना करेंगे तो सबसे ज़्यादा वृद्धि आपको यहीं पर दिखाई पड़ रहा है।
ठीक है, कितना 96.86। तो हम बोलेंगे कि अधिकतम प्रतिशत की वृद्धि जो है 16-17 से 17-18 के बीच में हुई थी। तो यही बात मैंने लिखा, अतः वर्ष 2016-17 से 17-18 के दौरान उसके पिछले वर्ष की तुलना में अतिरिक्त कर में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। ठीक है, आइए चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि वर्ष 2014-15 से 20-21 तक का अतिरिक्त औसत कर क्या है, यानी शुरू से अंत तक में अतिरिक्त औसत कर। तो जानते हैं ये है आपका कर, अतिरिक्त कर और अतिरिक्त औसत कर। औसत कर का मतलब हुआ जितना भी हमारे पास है इस सब को जोड़ देंगे और 7 से भाग देंगे, क्योंकि 7 वर्षों का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो सबको जोड़ करके 7 से भाग दे देंगे, अतिरिक्त औसत कर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। यहाँ पर किया हुआ है सभी को क्या किए, वर्ष 2014-15 से 20-21 तक के अतिरिक्त कर का औसत सभी संख्या को यहाँ पर जोड़ में लिखा, जोड़ करके हुआ 3291 और 7 से भाग दिए, तो 3291 बटे 7 यदि आप करते हैं तो 470.14 हो जाता है। यानी 14-15 से 20-21 तक अतिरिक्त कर का जो औसत है 470.14 होता है। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न क्या कहता है, किन दो लगातार वर्षों के दौरान अतिरिक्त कर में कमी का प्रतिशत सबसे कम था। यहाँ पर पूछा अतिरिक्त कर का प्रतिशत सबसे ज़्यादा वृद्धि कब हुआ। अब कह रहा है कि जो कमी का प्रतिशत है वो सबसे कम कमी कब था, कमी जब भी रहा हो उसमें से सबसे कमी जितना भी हुआ हो उसमें से सबसे कम कमी को आपको बताना है। तो जो यहाँ पर हम लोगों ने निकाला था इसी आंकड़े से काम चल जाएगा, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ रखवा दिया है। तो सेम वही है, क्योंकि इसको बार बार बोलने से टाइम एक्सपेंड करेगा, तो टाइम एक्सपेंड करने से कोई फ़ायदा नहीं। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है ऑलरेडी, वही सेम टू सेम कॉपी किया हुआ है। यहाँ पर पूछ रहा था कि कमी सबसे कम कब हुआ, ठीक है, कमी का प्रतिशत सबसे कम कब था। तो 3 बार कमी हुई है, -44.23, -29.05 और -61.87। तो कमी का प्रतिशत सबसे कम यदि बात करें तो आपको -29.05, यानी कमी का सबसे कम प्रतिशत 29.05 ही है। तो कहेंगे कब हुआ है, 15-16 से 16-17 के दौरान। इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, अतः वर्ष 2015-16 से 16-17 के दौरान अतिरिक्त कर में कमी का प्रतिशत सबसे कम था। ठीक है, तो ये था हमारा 69th VPSC मुख्य परीक्षा के स्टैटिक्स का चारों के चारों वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों ने यदि पिछला 3 वीडियो को नहीं देखा तो उससे जाकर अवश्य देखें। यदि आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद, बने रहिए शाही पाठशाला के साथ।